हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो है एक्सप्लोरर ओपन कर देना है। ओके, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद आपको सी ड्राइव ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर यूज़र फोल्डर है, आप इसको ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके पीसी का जो नेम है, आप उस फोल्डर को ओपन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पीसी का नेम जो है, मैं यहाँ पर पीसी नेम से सेट किया हूँ, तो यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लोकल फोल्डर को ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वन नोट फोल्डर को आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपको ओपन कर देना है इसको। फिर आपको यहाँ पर इस वाले फोल्डर को आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कैचे का जो फोल्डर है, आपको इसको सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस फोल्डर को डिलीट कर देना है यहाँ से। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं फोल्डर डिलीट हो गया है। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो यहां पर स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कर कर सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है वन नोट। इस तरीके से आपको टाइप कर कर यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर कर यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पर इस ऐप को रिपेयर कर देना है। यहाँ पर रिपेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। ये ऐप जो है रिपेयर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर कर फिर से रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। वन नोट ऐप जो है रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गए तो आपको जो है यहाँ पर वन नोट ऐप है, इसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर कर अनइंस्टॉल कीजिए, ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना है। फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है वन नोट। ओके, फिर आप जो है यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से इजीली वन नोट ऐप को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने पीसी में। तो आप यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर कर इसको इंस्टॉल कीजिए। फिर आप जो है वन नोट ऐप यूज़ कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।